वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है गाइस। अब की दफा हमने एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना है DFS का, लेकिन हमेशा की तरह किसी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम एक थ्योरी बेस्ड क्लास लेते हैं, जिसमें हम इस बात का जायजा लेते हैं कि बेसिकली वो सर्वर क्या काम करता है और हम उसे क्यों कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसी वीडियो को लेकर हम हाजिर हैं। इस दफा का जो टॉपिक है वो DFS सर्वर का है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर। तो जनाब एक कोशिश है, गौर कीजिएगा, हमने एक कराची मैप डिज़ाइन करने की कोशिश की है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज कर लें। और उसमें हमारे पास एक हेड ऑफिस चल रहा है जो कि हमारी औरंगी में चल रहा है, औरंगी ब्रांच है, ठीक है। औरंगी ब्रांच में हमारे साथ कनेक्टेड है इस वक्त समझ लें एक डोमेन जो कि हादिस डॉट लोकल के नाम से, और एक और हमने यहाँ पर सर्वर लगाना है। अच्छा, जो कि डोमेन हम इस्तेमाल करते हैं इस पूरी सीरीज में, उसकी IP हमने 10.10 रखी। अच्छा, अब हमारे साथ इसमें एक सर्वर और चल रहा है जिसकी IP हमने 10.11 रखी, ठीक है। ये सर्वर लगाने का मकसद ये है कि हम यहाँ से डेटे को शेयर करवाएंगे। मैं चाहूँ तो डोमेन से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने इस मकसद के लिए एक अलग सर्वर लगा लिया। रीजन क्या लगाने का, अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा। अब एज यूजुअल हमारे पास डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए कंपनी में और वो अटैच्ड हैं, उन्होंने डोमेन ज्वाइन किया हुआ क्लाइंट कंप्यूटर्स ने, ठीक है जी। तो हमारे पास एक और ब्रांच है, कोरंगी ब्रांच। अब कोरंगी ब्रांच के अंदर भी हमारे पास एक सर्वर लगा हुआ है 10.13 जिसकी IP फर्ज कर लें, और वो कनेक्टेड है हमारे हेड ऑफ। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हेड ऑफिस के अंदर औरंगी वाला फोल्डर है और जो कोरंगी ब्रांच के अंदर हमारे पास कोरंगी वाला फोल्डर है, वो दोनों शेयर्ड हो जाएं। अब जब वो शेयर्ड हो जाएंगे गाइस, तो हमारे जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे हेड ऑफिस साइड बैठे हैं, उन्हें अगर एक्सेस करवाना हो औरंगी का फोल्डर, तो वो औरंगी की IP डालेंगे तो उनके पास औरंगी का फोल्डर खुल जाएगा। ऐसे अगर कोरंगी की फाइल खोलनी होगी तो वो कोरंगी की IP डालेंगे जो सर्वर है हमारा, और वो वाली फाइल खुल जाएगी। लेकिन जनाब ये एक सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बड़ी कंपनीज में अगर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हों, तो क्या हम सबको IPs के बारे में डिफाइन करें, क्या उन्हें हम IPs का बताएं, और हो सकता है कि हम उस IPs को कॉन्फ़िगर करने में भी इशू कर जाएं TFS परमिशन साइड। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे पास जो मेन सर्वर था हेड ऑफिस में, उसमें हम DFS का रोल इंस्टॉल करेंगे और उसमें जाकर हम नेम स्पेस कॉन्फ़िगर करेंगे। DFS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर। ये क्या काम करता है, बेसिकली जो हमारा डोमेन होता है वो नाम आ जाएगा और जिस शहर के साथ में ये बनाना चाहूँ स्लैश करके वो शहर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस सर्वर को मैंने DFS प्रमोट करवाया, DFS इंस्टॉल करा, और जो कोरंगी वाला सर्वर है उसे भी हमने अटैच करवा दिया, किससे, हमारे कोरंगी वाले सर्वर को हमने अटैच करवा दिया औरंगी सर्वर से, औरंगी ब्रांच से। तो इससे होगा ये कि जो हादिस डॉट लोकल है उसमें हमें स्लैश लगा के कराची लिखेंगे, तो जो यूजर है वो जस्ट ये नाम डालेगा अपने पास, तो उसे जितने भी कराची के अंदर ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी वो सारी शो हो जाएंगी, चाहे वो औरंगी में हो, कोरंगी में हो, नाजमाबाद में हो, वो तमाम ब्रांचेस का क्या हो जाएगा, एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी फोल्डर की शक्ल में, और वो ब्रांचेस वाइज काम कर पाए। क्योंकि यूजर को तो ये आइडिया नहीं है कि आपके सर्वर्स कहाँ का लगे, आपके कितने ब्रांचेस हैं, जस्ट उन्होंने काम प्रोड्यूस करना है और आपने इन तमाम चीज़ों को मैनेज करनी है। तो आई होप आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर का नेम स्पेस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, ठीक है। मजीद डिस्कस करते हैं, ये देखिएगा अब की दफा सेम डायग्राम है, वही औरंगी ब्रांच है, वही कोरंगी ब्रांच है, लेकिन थोड़ा सा माहौल हमने तब्दील किया। अब फर्ज करें हम जो है वो इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद है यानी औरंगी ब्रांच में, और इसमें एक फोल्डर है बैकअप के नाम से, यानी हम जितने काम कर रहे हैं वो हम इस फोल्डर में रख रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कोरंगी वाली ब्रांच है जिसकी IP 10.13 है, वहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारे जो बॉस हैं वो कोरंगी ब्रांच के अंदर इस वक्त ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जबकि हम औरंगी ब्रांच में होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो बैकअप वाला फोल्डर है, जबकि कोरंगी वाले सर्वर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है फर्स्ट ब्रांच डेटा, बॉस हमारे ये चाहते हैं कि जितना भी काम हम अपने हेड ऑफिस में कर रहे हैं वो खुद ब खुद उनके कंप्यूटर्स या उनके सर्वर्स तक पहुँच जाए। तो हमने क्या किया, जो बैकअप वाला फोल्डर है उसको हमने रेप्लिकेट करवाना है फर्स्ट ब्रांच डेटा से। ये काम भी मुमकिन है किसकी मदद से, DFS की मदद से, लेकिन ये काम होगा रेप्लिकेशन वाली पॉलिसी के थ्रू, कि DFS में हम नेम स्पेस और रेप्लिकेशन दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि जितना भी डेटा हमारा बैकअप फोल्डर में होगा वो खुद ब खुद रेप्लिकेट यानी कॉपी होकर कहाँ पर आ जाएगा, हमारी कोरंगी के फोल्डर फर्स्ट ब्रांच डेटा वाले में, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है जिसमें हम DFS को कॉन्फ़िगर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर। तो नेम स्पेस और रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसका हम प्रैक्टिकल अंजाम देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हों।
अच्छा, हमेशा की तरह आप अपने साथ कॉपीज वगैरह रखें, मुनासिब बात है, आपको अच्छा है, बाद में रिपीट करने के लिए आपकी खुद के लिए आसानी होगी। तो थोड़े से टॉपिक्स हम लिखने वाले जानते हैं। बेसिकली जो DFS है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर है, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा, ये जो काम करता है वो FSRM पे काम करता है, यानी फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। बेसिकली फाइलों को, फाइल्स वगैरह को ये एडिट इधर से उधर मुंतकिल के लिए हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है जो DFS है, ये 50,000 जो शेयर्ड फोल्डर्स हैं उन्हें एक वक्त में एक्सेस और सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा DFS जो है वो जाहिर सी बात है सिर्फ शेयर्ड फोल्डर्स के लिए डिजाइन किया गया है, और जो DFS है ये हमारे पास नेम स्पेस भी सपोर्ट करता है और रेप्लिकेशंस भी करता है। तो आई होप आपको नेम स्पेस के हवाले से क्लियर हुई वो बात। अच्छा, नेम स्पेस को हम कंटेनर भी कहते हैं। जैसे मेरे पास एक हेड ऑफिस में एक सर्वर लगा हुआ है, उसमें मैंने DFS नेम स्पेस बना दिया कराची के नाम से। अब जितने भी कराची में ब्रांचेस कनेक्ट होंगी उसके फाइल सर्वर को मैं किससे कनेक्ट करवा लूंगा, हमारे हेड ऑफिस वाले DFS नेम स्पेस सर्वर से। तो उससे क्या होगा कि वो एक ही कंटेनर का हिस्सा बन जाएंगे, तो एक ही जगह से हम उन्हें एक्सेस करवा सकेंगे। तो गाइज, DFS हमारी थ्योरी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के साथ। फी अमान अल्लाह।